मैं डॉक्टर निखिल मोदी, आई एम ए कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन इन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। एज यू कैन सी आई एम वियरिंग अ मास्क व्हिच इज अ नेसेसिटी नाउ अ डेज टू प्रिवेंट आवर सेल्व फ्रॉम एक्सपोजर टू कोविड, बट आई थिंक माई वॉइस माइट नॉट बी क्लियर टू यू पीपल, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेक ऑफ माई मास्क टू कम्युनिकेट बेटर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक कॉल्ड कोविड-19 व्हिच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नाउ इट हैज एंटर्ड इंडिया फॉर व्हिच वी आर इन अ लॉकडाउन फेज टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेड। सो लॉकडाउन ओनली बाय गवर्नमेंट डजंट सर्व द पर्पस। देयर आर फ्यू स्टेप्स व्हिच वी हैव टू टेक टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली, so that we can be safe from this virus infection. To just start with, this COVID-19 is a type of a coronavirus. Coronaviruses has been there for in previously also, but most of our times this viral infections are of milder forms. But since this is a newer strain, so large number of population can get affected by this. Further, people like elderly above age of 60 years, people who have diabetes, hypertension, heart disease, lung issues, kidney diseases are at high risk of mortality or death due to this virus. So to prevent these people and number of mortalities and morbidity, we need to take some actions. First of all, I would like to say that please follow the lockdown properly, because this is done to promote social distancing. Some messages I am getting, हिंदी में भी बताइए, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हम जो बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, जो एक बहुत बड़ी प्रकृति का फैला हुआ इन्फेक्शन है जो पूरे देश के विदेश में फैल गया है। बाकी विदेशी देशों में ये बहुत ज्यादा डेथ का कारण बन चुका है, हमारे यहाँ इसका शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए अभी हम लॉकडाउन में हैं ताकि हम इससे अपने आप को बचा सकें। खास करके जो लोग 60 साल से उम्र से ज्यादा है, शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट, लंग डिजीजेस के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, इन सब में ये बीमारी खतरनाक रूप ले सकती है और उससे हम लोगों की जो लोग हैं जिन बीमारियों से सफर करते हैं उनकी डेथ रेट बहुत हाई हो सकता है उन लोगों में। इसलिए वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस। लॉकडाउन इज एक बस एक इनिशिएटिव है जो हमारी सरकार ने लिया है इसके अगेंस्ट, बट लॉकडाउन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम लोग भी अपने पूरे पूरे अपना हिस्सा पूरा उसमें करें। इन सब में मेन ये है, लॉकडाउन से जो हम अचीव करना चाह रहे हैं वो है सोशल डिस्टेंसिंग। ये वायरस अगर हम किसी भी इंफेक्टेड मरीज के कांटेक्ट में 6 मीटर यानी 6 फुट या 2 मीटर के कांटेक्ट में आए तो ये वायरस, दिस वायरस कैन गेट ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन। जब कोई इंफेक्टेड वायरस वाला इससे छींकेगा या खांसेगा तो वो वायरस हवा में फैलते हैं, उस वजह से ये दूसरा आदमी को कैच हो सकता है और उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये लॉकडाउन से, घर में सीमित रहने से, रिस्ट्रिक्टेड टू होम, वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज डायरेक्टली टू दो कोरोना पेशेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट हैव सीन वी आर फोकसिंग ऑन, हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हमें हाथ धोते रहना चाहिए रेगुलरली। हाथ धोना बहुत जरूरी है क्योंकि नॉर्मली कोई भी जो हमारे खांसी जुकाम करने वाले पहले वायरस होते थे वो छींकने या खांसने से फैलते थे, तो अगर कोई दो लोग दूर रहेंगे तो छींकने खांसने से वो वायरस नहीं फैलेगा। पर ये वाला जो कोविड-19 का वायरस है, अगर कोई छींकता है, खांसता है और उससे किसी नोट पे, किसी के पर्स पे, किसी टेबल पे, किसी की चेयर पे वो वायरस गिर जाता है तो वो वायरस वहां पे 2 से 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है और वहां से जैसे ही हम उसको हाथ लगाते हैं
तो उस हाथ को हम अपने मुंह पे या नाक पे टच करते हैं या आंख में मलते हैं तो वो वायरस हमारे अंदर चला जाता है। तो इसलिए हाथ धोने से हम ये वायरस अपने हाथों से हटा देते हैं, जिससे ये वायरस हटने से हमारे अंदर जाने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए हमें हर वक्त अपने हाथ धोते रहना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज जो हमें पता है कि अनस्टराइल हो सकती है उसको छुए तो उसके बाद हम हाथ धोएं, हाथ अच्छे से धोने से वो वायरस हाथ से हट जाएगा, फिर हम अपने ऊपर कहीं भी लगाएं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाथ हम साबुन और पानी से भी धोएंगे तो वो गुड इनफ होता है, उससे हम अपने आप को बिल्कुल बचा सकते हैं। लोग हैंड सैनिटाइजर के पीछे भागते हैं, पर आप घर में रहते हुए अगर साबुन और पानी का उपयोग भी करेंगे उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें बस ये करना है, हाथ ये नहीं कि हमने साबुन लगाया ऐसे किया और हाथ धो के आ गए। हाथ धोने की प्रॉपर टेक्निक होती है कम से कम 30 से 40 सेकेंड आपको साबुन अच्छे से मलना है। पहले हाथ आगे से मले, पीछे उंगलियां भी मलनी होती है, अंगूठों को भी साफ करना होता है, यहाँ कलाइयों तक साफ करिए, उसके बाद ये अंदर से पूरे पाम को अच्छे से मलिए। इस तरीके से 30 से 40 सेकेंड जब आप अपने आप को हाथ को अच्छे से धोते हैं तो आप पूरा वायरस हटा सकते हैं। इससे कम हाथ धोने का लॉजिक नहीं है। जहां साबुन और पानी ना मिले वहां पर आप इसमें हैंड सैनिटाइजर का भी सेम तरीके से यूज कर सकते हैं, उससे भी उतनी स्टेरिलिटी। उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल कंटेंट जो सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हैं 60% से कम नहीं होना चाहिए, उससे कम वाला सैनिटाइजर उसको साफ नहीं कर सकता। तो कम से कम आपको 60% अल्कोहल से साफ करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई भी इंसान है जो आपके आसपास है, आपको पता है वो किसी कोविड के कांटेक्ट में आया है, या पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो बाहर ट्रैवल करके आया, तो उसका प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइन करना बहुत फायदेमंद रहता है। ये करने से आप उससे होने वाला खतरा बाकी लोगों को बचा सकते हैं, और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करके अगर उसको खांसी, बुखार, सांस की दिक्कत, गला खराब ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कोरोना के हो सकते हैं तो इमीडिएटली टेस्टिंग करा के उसको भी हेल्प कर सकते हैं। खासकर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है अपने बूढ़ों का, लोगों को जिनको शुगर है, जिनको हार्ट पेशेंट है, जो सांस की बीमारियों से सफर करते हैं, हार्ट की बीमारियों से या किडनी के, क्योंकि इनमें जब इंफेक्शन होता है ये इतना रैपिडली बढ़ता है कि जान का खतरा इन लोगों में सबसे ज्यादा देखा गया है। यंग पॉपुलेशन यूजली इतना सीवियर फॉर्म में इंफेक्शन नहीं देख रही है। बच्चे दो अभी तक बच्चों में बहुत सीवियर इंफेक्शन नहीं देखे गए हैं, पर बच्चे एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जो प्रोन होते हैं, तो इसलिए 10 से 12 साल के बच्चों को भी खासकर ध्यान रखा जाए और इसलिए उनको घर से बाहर अभी नहीं निकाला जाए। हम लोग, सरकार पूरे स्टेप्स ले रही है, जहां भी टेस्टिंग की जरूरत है नोटिफाइड सेंटर्स बन गए हैं, आप लोग जाके टेस्ट करा सकते हैं। जो जो सुविधाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज खुली हुई हैं, उसका ध्यान रखा जा रहा है। उसके अलावा आपको अपने पर्सनल लेवल पे हाथ धोने के अलावा और क्या करना है कि आपको ये बाहर सामान लेने जा रहे हैं तो आप सामान लेके भी जो आते हैं उसको भी अगर आप स्टेरिलाइज कर सके पैकेट को तो वो इम्पोर्टेंट है। इवन जो करेंसी नोट्स होते हैं उस पे भी कोरोना का इन्फेक्शन आ सकता है, तो करेंसी नोट्स क्योंकि धोए तो नहीं जा सकते, यूजली अगर हम उसको धूप में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे दोबारा यूज करने से पहले, तो वो नोट्स स्टेरिलाइज हो जाते हैं। और अगर आप करेंसी नोट्स किसी बाहर से हैंडल भी कर रहे हैं तो आप अपना हाथ उसके बाद इमीडिएटली धोइए और उसके बाद ही आप मुंह पे लगाइए या कुछ खाना है तो तब उसको यूज करिए। तो इसलिए बार बार हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाथ धोने के अलावा और क्या चीजें करनी है? सोशल डिस्टेंसिंग तो लॉकडाउन हमारी हेल्प कर ही रहा है, उसके अलावा हमें अपनी एक डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। डाइट का ध्यान रखने से क्या होगा, अगर हम अच्छी डाइट खा रहे हैं, हम इम्यून स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन की सिवियरिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अ बैलेंस डाइट जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, हरी सब्जियां हो, अच्छे फल फ्रूट हो, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो,
इसके अलावा जितने लेमन विटामिन सी रिच जो फ्रूट होते हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी बिल्डिंग चीजें होती हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इन सब चीजों से हम अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जुकाम होना, गला खराब होना और बुखार होना, सांस में दिक्कत होना, तो इसके अलावा आपको इमिजिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जहां भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आजकल ये देखा जा रहा है कि हम इनके टेस्टिंग जितनी जल्दी करें, हम उनको पकड़े और हम उनको आइसोलेट करें, तो इससे पेशेंट का भी बेनिफिट है और इससे बाकी आसपास के लोगों के लिए भी प्रोटेक्शन हो जाती है। इसके अलावा एक चीज जो लोग बात कर रहे हैं कि मास्क के बारे में, लोगों का जान बहुत उत्सुकता है कि मास्क का क्या है। मास्क पहनना कहीं भी, अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आप ग्रोसरी खरीदने भी जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो मास्क पहनना इस टाइम पे अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी हो गया है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब आप बाहर जा रहे हैं तो कोई आसपास अगर आप खांसता है या छींकता है तो उससे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लोग N95 मास्क की बात कर रहे हैं, पर अगर आप एक नॉर्मल वाला मास्क भी पहन रहे हैं और अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं तो वो भी इनफ होता है। N95 के पीछे बहुत मारामारी हो रही है, पर ये कोरोना वायरस का जो पार्टिकल होता है वो इतना बड़ा है कि नॉर्मल मास्क भी अगर आप पहने तो वो भी आपको अच्छे से प्रोटेक्शन कर सकता है। उस टाइम ध्यान देने की चीज ये है कि आप मास्क पहन रहे हैं तो कोई छींकता खांसता है तो आंख के थ्रू भी ये वायरस अंदर जा सकता है। तो बेटर ये है कि हम अगर किसी को भी खांसी जुकाम है तो वो अपने आप से एक कफ एटिकेट्स होती है जो फॉलो करें, जो होता है कि अगर किसी को स्नीज हो रहा है, खांसी आ रही है, तो वो अपना मुंह ढके, चाहे कोहनी से ढके, चाहे रुमाल से ढके, चाहे हाथ से ढके, ताकि वो पार्टिकल्स फैले ना और वो दूसरों को इफेक्ट ना करे। और इसलिए मास्क के बावजूद भी आंख के थ्रू जा सकता है, तो आप एक डिस्टेंस जरूर से जरूर मेंटेन करें जब आप सामने कुछ सामान खरीदने के लिए भी, जरूरी सामान खरीदने के लिए भी बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग जैसे बैंकर्स हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है, वो लोग तो बाहर रेगुलरली जाना ही पड़ रहा है, तो वो भी मास्क जब भी हो सके अपने आप पहने। कई लोगों की क्वेरी ये भी है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे किसी भी वायरल का ट्रीटमेंट जो होता है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, वैसे इस वायरस में भी ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और उस केस में जो है, अभी कोई ऐसी प्रूवन दवाई नहीं है जिससे हम कहें कि ठीक होता है, पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और कुछ और नई दवाइयां हैं जो इसके ट्रीटमेंट में यूज करी गई हैं। हमारे यहाँ पे भी हम कोरोना के मरीज ट्रीट कर रहे हैं, हमने भी इन दवाइयों को खासकर जो दिक्कत वाले मरीजों हैं उनको देना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे गाइडलाइंस आती हैं, जैसे जैसे नई दवाई आती है, उसको यूज किया जा रहा है। पर अगर आपको कोई कहता है कि आप ये वैक्सीन लगवा लो या वो लगवा लो, आप एंटीबायोटिक्स खा लो, इससे आप बच जाओगे, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। एंटीबायोटिक से कोई भी वायरस इंफेक्शन ठीक नहीं होता। कोई भी अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुई है जो इस कोरोना को ठीक कर सके। जो वैक्सीन है वो इन्फ्लुएंजा वाले वायरस के अगेंस्ट है, स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है, तो इन बहकावों में मत आइए। इसके अलावा कुछ अफवाहें हर वक्त सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, कृपया करके उन पे ध्यान मत दीजिए। अभी जो हमें करना है कि हमें इस लॉकडाउन का पालन करना है, अपने आप को हेल्दी वो करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जहां जरूरत हो मास्क का उपयोग करना है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। मुझे पता है कि ये जो पैंडेमिक है ये काफी वाइड स्प्रेड है, हर रोज आपको न्यूज मिलती होगी, आज यहाँ से 200 केसेस आ गए, आज यहाँ पे इतनी डेथ हो गई, पर जो भी हम स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आइसोलेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं, सब कुछ किया गया है, और ये इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि कई जगह पे
ये हो रहा है कि कुछ हॉस्पिटल्स कोविड के लिए वहां पे डॉक्टरों को ऑलमोस्ट ओपीडीज बंद हो रही हैं, सब कुछ फैसिलिटीज बंद हो रही हैं। अभी एट प्रेजेंट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हमारा हॉस्पिटल, क्योंकि हर मरीज कोरोना का नहीं होता, इसके अलावा कोई हार्ट पेशेंट हो, शुगर पेशेंट हो, किडनी का पेशेंट हो जिसको डायलिसिस चाहिए हो, कुछ भी हो, कैंसर का पेशेंट हो जिसको कीमोथेरेपी चाहिए हो, या कोई भी बीमारी और हो, तो उस पेशेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम अपोलो हॉस्पिटल में हर सर्विस को अभी भी ओपन करके चल रहे हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर रहे हैं अपोलो 247 ऐप से। उसके अलावा इन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बाकी नॉर्मल पेशेंट्स का भी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, जिससे कोई भी पेशेंट को जरूरत हो तो हम 24/7 उनके लिए अवेलेबल है। बाकी इसके ऊपर अगर जो और क्वेरीज हैं कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ और क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास कि मास्क का क्या N95 ही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, नॉर्मल पब्लिक को अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो उनको नॉर्मल मास्क से भी काम चल सकता है। पर जब आप मास्क यूज करते हैं तो उसका एक तरीका होता है प्रॉपर यूज करने का। जब आप मास्क लगाते हैं, शुरू में मास्क स्टराइल होता है, आप उसको लगाते हैं, टाई करते हैं, कोई लास्टिक वाले मास्क होते हैं जिसको आप बांधते हैं। जब आप उतारते हैं मास्क को, तो अगर आपने बाहर के सरफेस को मास्क के टच कर लिया, तो बाहर का सरफेस जो होता है वो प्रोटेक्टेड सरफेस होता है, उस पर कोई भी पार्टिकल्स आके जमते हैं और वो फिल्टर कितना एक्ट करता है और वो अंदर नहीं आने देता उसको। तो अगर आपने उतारते वक्त उस बाहर के सरफेस को टच कर लिया, तो आपके हाथ पे जो बाहर की गंदगी है जिसमें वायरस भी हो सकता है, वो उसमें आ जाएगा। तो उसको मास्क उतारने का तरीका हमेशा पीछे से स्ट्रिंग से पकड़ के खोल के आगे चुपके मास्क को उतारना होता है, ताकि कभी भी आपका हाथ स्टराइल ना हो। मास्क को उतारने के बाद अपना हाथ जरूर वॉश करें, नहीं तो आपके हाथ पे वो पार्टिकल्स आ गए, तो आपने मास्क तो पहन लिया पर जब आपने उतारा तो फिर आप अपने अंदर वायरस पार्टिकल्स ले लेंगे। मास्क में दो सरफेस होते हैं, एक आगे का फिल्टर वाला सरफेस जो यूजुअली ब्लू या ग्रीन कलर का होता है, एक अंदर व्हाइट सरफेस होता है जो कॉटन सरफेस होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ह्यूमिडिफाइड एयर बाहर निकलती है जो उसको गीला करती रहती है, तो वो कॉटन वाला सरफेस उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। तो हमेशा मास्क को एक सही टेक्निक से ही पहने, इससे आपको अपने आप को बचा सकते हैं। मास्क को सही से उतारने में आप अपने आप को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। मास्क जितना हो सके रीयूज नहीं करना चाहिए, पर अगर आप उसको रीयूज करना भी चाहते हैं तो उसको या तो उतार के धूप में उसको सुखाने रखिए और उसको स्टरलाइज होने दीजिए, तभी उसको रीयूज कीजिए। ये खासकर N95 जिनकी शॉर्टेज है उनको, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा। पर जहां तक हो सके हमेशा अलग मास्क को ही प्रयोग करिए। मास्क आईज कवर नहीं कर पाता, आईज के लिए हम जितना वो कर सकें अपने आप को दूर रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो वो आपका बचाव हो सकता है, नहीं तो डेफिनेटली आंखों के थ्रू भी ये वायरस अंदर जा सकता है। इसके अलावा और क्वेश्चंस भी मेरे पास आ रहे हैं, मेनली तो यही चीजें दोबारा दोबारा लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, सिचुएशन देख के आप, और ये आप वर्ल्ड का जो डेटा देख रहे हैं उसको देख के प्लीज पैनिक मत करिए। डेफिनेटली नॉर्मल पॉपुलेशन में इसकी वजह से मोर्टैलिटी और डेथ्स इतने हाई नहीं है, पर ऑब्वियसली जितने भी हैं हमें स्टेप्स लेने हैं उनको बचाने के लिए। अभी कुछ नए ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे हमें और इंफॉर्मेशन आएगी, ट्रीटमेंट अपग्रेड होंगे, तो हम स्ट्रांग होते जाएंगे। पर इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन करें, हम अपने अंदर कोरोना वायरस को ना आने दें। तो इसी से मैं कहूंगा कि हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वायरस आएगा, इन्फेक्शन होंगे, हमें भी इन्फेक्शन होंगे, आसपास अपने आसपास के लोगों को भी हम इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो बेटर बेस्ट यही है कि हम अपना इन्फेक्शन का प्रिवेंशन जितना ज्यादा कर सकें, एक्सपोजर जितना बचा सकें, जिसके लिए इतना सीवियर लॉकडाउन किया गया है जो अभी एक्सटेंड करके 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो
तो हम उसमें पूरा सरकार का साथ दें जिससे हम ये अपने आप को सेफ कर सके। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपोजर एक से दूसरे पेशेंट में कम होता जाएगा, वायरस की फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी और ये उससे हम अपने आप को ग्रेजुअली बचा सकते हैं। कुछ लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में पूछ रहे हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन एक ग्रुप होता है जिसकी ड्रग होती है। क्लोरोक्वीन एक मलेरिया की ड्रग होती है, उसी का एक वर्जन होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अलग तरह की जो रूमेटोलॉजी बीमारियों के लिए दवाई है जो यूज करी जाती है। पर इसका जब ट्रायल किया गया तो कुछ लोगों में, खासकर जिनमें सीवियर बीमारी होती है, उसमें देखा गया कि ये फायदा करती है और उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि इसके में रैशेस होते हैं। देखिए, सबसे कॉमन 80-85% लोगों में जो सिम्टम्स होते हैं वो खांसी, जुकाम, बुखार जो यूजली थोड़ा तेज होता है, और सांस फूलना। 85-90% लोगों में ये सिम्टम्स होते हैं। किसी किसी में एटिपिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। वो एटिपिकल सिम्टम होते हैं 5% लोगों में डायरिया, 10 से ये शुरू हो सकती है बीमारी। भूख लगना कम होना, लोगों की सूंघने की शक्ति कम हो जाना, हेडेक होना और निमोनिया दिखना, ब्रेन को इन्वॉल्व करना, तो ये लोग ऐसे सिम्टम्स बहुत रेयर होते हैं। पर ये नहीं है कि ऐसे लोगों में भी हमें कोरोना रूल आउट नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नया सिम्टम्स आया है जिसमें वायरल के साथ डायरिया भी हो रहा है तो आपको तब भी कोरोना की टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। कुछ लोग ये प्लाज्मा ट्रांसफर के बारे में पूछ रहे हैं। प्लाज्मा ट्रांसफर एक टेक्निक है जिसमें जिसको पहले कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और वो उससे रिकवर कर गया है। जो भी इंसान कोरोना से, किसी भी वायरस से रिकवर करता है तो उसके अंदर ब्लड में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उस वायरस के अगेंस्ट होती हैं। तो वो एंटीबॉडीज होती हैं वायरस को किल करती रहती है। तो उसको किल करने के लिए जो ये प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, तो अभी ट्रायल जो हुई है, हम जो रिकवर हुए हुए पेशेंट का प्लाज्मा ले लेते हैं जिसमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, और ये प्लाज्मा दूसरे पेशेंटों में जिनको बीमारी है, खासकर सीवियर बीमारी है, उसमें इंजेक्ट करा जाता है जिससे ये उनको सिम्टम्स को जल्दी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दिस टेक्निक हैज बीन ट्राइड and I think it's almost about time कि we are almost getting going to the stage कि हम इसको use करना शायद शुरू करने वाले हैं। We are in talks with the government whenever it will be possible। जैसे ही हमें go ahead मिलेगा तो हम कहीं करेंगे इसको use। Vaccine के लिए कोई और दोबारा question कर रहा है, मैं कहना चाहूँगा अभी तक इसके लिए कोई vaccine available नहीं हुई है। जल्दी से जल्दी जो दिख रहा है 3-6 महीने से पहले तो कोई वैक्सीन आएगी भी नहीं। अभी सबकी ट्रायल शुरू हुई है और वो कितनी इफेक्टिव होगी वो कहना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम वैक्सीन का ना सोच के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ज्यादा सोचें। सैनिटाइजर के कंपोनेंट के ऊपर दोबारा से क्वेश्चन आया है। जैसे मैंने कहा एटलीस्ट 60% एल्कोहल होना चाहिए सैनिटाइजर में, वही एल्कोहल फायदेमंद है। कई एलोवेरा बेस्ड और ये सब सैनिटाइजर हैं, बट जिसमें अगर अल्कोहल 60% नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और कुछ लोग पूछे स्किन रैश हो सकता है कि नहीं हो सकता। स्किन रैश रेयर है, बट स्किन रैश इचिंग भी अदर वायरल सिम्टम के साथ हो सकती है। घर में प्रिकॉशन, somebody is asking कि हाउ टू टेक प्रिकॉशंस एट होम। एट होम ऑल्सो यू शुड मेंटेन आवर सोशल डिस्टेंसिंग, कीप वॉशिंग योर हैंड्स रेगुलरली। बाहर से आप कोई भी चीज लाते हैं, बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, अच्छा ग्रीन हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। उसके अलावा जो भी सामान बाहर से आता है उसको प्रॉपरली वॉश करें, उसके बाद ही उसको यूज करें तो आप इससे बच सकते हैं। रिकवरी टाइम के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं। यूजली रिकवरी जो होती है 5-7 दिन में किसी भी इंसान में जिनको माइल्ड होता है, 5-7 दिन में उनके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जैसे किसी भी वायरल में होते हैं। पर हमने देखा है कि जो वायरल पार्टिकल्स हैं, कोई रिकवर भी करता है तो वो ट्रांसमिट कर सकता है अप टू 3-4 वीक्स। तो यूजली
अगर पेशेंट एडमिट है तो हम यूजली 14 दिन का एडमिशन करते हैं पेशेंट का, उसके बाद भी 14 दिन के लिए घर में आइसोलेशन मेंटेन करने के लिए हम कहते हैं, बिकॉज अप टू 4 वीक्स मोस्टली पेशेंट कैन ट्रांसमिट वायरस टू अदर पीपल। सो 3 टू 4 वीक्स का सोशल प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कोरोना वायरस एयर में रहता है, एयर में ये हैवी वायरस होता है, तो एयर में अगर पेशेंट उस टाइम आपके आसपास है, वो खांसता छींकता है, तो उसी टाइम वो ट्रांसमिट कर सकता है, पर विद इन फ्यू मिनट्स वो एयर में से सेटल होके नीचे पार्टिकल्स पे हो जाता है, जिसको जैसे कुछ टेबल हुआ, चेयर हुआ, जैसे मैं कंप्यूटर के आगे हूं तो मैं कंप्यूटर में छींक देता हूँ तो कंप्यूटर हो जाएगा सोर्स। इन चीजों को हम फोमाइट्स कहते हैं। फोमाइट से जो होता है, वहां से अगर आप हार्ट टच करके अपने अंदर ले ले तो वहां से ये फैल सकता है। एयर में ये बहुत ज्यादा देर नहीं रहता। खुला मिल्क के लिए कुछ पूछ रहे हैं, इफ आपने मिल्क लिया है उसको अच्छे से बॉयल कर लेते हैं, अच्छे से हीटेड और बॉयल चीजों से वो मर जाता है। इवन लोगों को वहम है कि नॉन वेज खाने से ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, बट अगर आप नॉन वेज लेते हैं, उसको प्रॉपरली कुक कर लेते हैं, उससे कोई वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ऐसे देर इज नो समबडी इज आस्किंग कि स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फूड्स टू अवॉइड। कोई फूड आपको अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, ओनली थिंग इज प्रॉपरली कुक फूड खाना है, और जितना इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, ये सब खाएं वो यूज कर सकते हैं। डिटॉल डाइल्यूटेड विद वाटर इतना अच्छा सैनिटाइजर नहीं है, क्योंकि डिटॉल में ऑलरेडी जो अल्कोहल है, अगर हम वाटर से डाइल्यूट कर देते हैं तो उसमें वो बहुत कम मात्रा में रह जाता है, जिसकी वजह से वो यूजफुल नहीं रहता। तो आपको जो है सिर्फ डिटॉल नहीं, प्रॉपर 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर्स ही यूज करने चाहिए। अदरवाइज सोप एंड वाटर इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन टू टेकिंग रॉ वेज सैलेड। ओनली इफ यू कैन क्लीन इट प्रॉपरली देन टेक इट, अदरवाइज इफ इट इज नॉट प्रॉपरली क्लीन। यूजली हम जब सैलेड काटते हैं तो उसके ऊपर से पीलिंग कर देते हैं, तो वो बाहर वाला सरफेस क्लियर हो जाता है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो रॉ वेज सैलेड आप खा सकते हैं उसके साथ। समबडी इज आस्किंग अबाउट वॉशिंग फ्रूट्स बिफोर गेटिंग देम इनटू हाउस। डेफिनेटली यू शुड डू दैट। देट शुड एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर कमिंग इन होम शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड, एंड ड्रिंकिंग आर ओ वाटर इज ऑल्सो सेफ, इट कैन बी टेकन एट होम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। समबडी इज आस्किंग अबाउट ड्रिंकिंग हॉट वाटर, विच कैन प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट वायरस। नो, जब भी हमने हॉट वाटर, वॉर्म सलाइन गागल्स, जब भी पहले भी किसी वायरस में दिए हैं, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ में हेल्प करता है। हम इससे ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर वायरस पानी, गर्म पानी पीने से नहीं आएगा। गर्म पानी एक्सपोज से गर्म पानी थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद आपको वायरस का एक्सपोजर हुआ तो ऐसे तो नहीं होगा कि वायरस नहीं आएगा। इट विल नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। नॉर्मल इन्फेक्शन, समबडी इज आस्किंग इफ ईयर इन्फेक्शन, एसिडिटी और स्टमक एक है। यूजली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर एनी ऑफ दिस इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इवन इफ फ्यू क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स आर नॉट वर्किंग, अपोलो हॉस्पिटल इज वर्किंग 24/7 टू प्रोवाइड कंफर्ट टू यू, टू टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच यू हैव। ऑल पीपल आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कोरोना, सो वी कैनॉट इग्नोर द पॉपुलेशन हु इज हैविंग प्रॉब्लम विद हिज किडनी, ईयर इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, अदर निमोनिया, अदर प्रॉब्लम, दे ऑलवेज नीड केयर। सो दैट्स वाई अपार्ट फ्रॉम अ कोरोना वेव, आर हॉस्पिटल आर वर्किंग 24/7। वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑल्सो, वी आर डूइंग ओपीडीज, इमरजेंसीज, वार्ड केयर रेगुलरली इन आर सेटअप, सो दैट ऑल पेशेंट्स कैन बी टेकन केयर, नॉट ओनली कोरोना, ऑल अदर पेशेंट्स ऑल्सो डिजर्व इक्वल अटेंशन। दैट इज द मोटो ऑफ आर हॉस्पिटल एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल।
Somebody is asking about AC. AC लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस AC के फिल्टर्स आप रेगुलरली 5 to 7 days पे क्लीन करते रहिए, सो दैट स्टेरिलिटी इज मेंटेन। और अगर आप घर को क्लीन हेल्दी रखते हैं, आप बाहर जाते हैं प्रॉपर सैनिटाइजर हैंड वॉशिंग करते हैं, आप अंदर वायरस नहीं लाएंगे, तो आप घर में कुछ भी कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर डायबिटिक नॉट ओनली समबडी इज आस्किंग फॉर डायबिटिक, नॉट ओनली डायबिटिक, एनी पेशेंट हैविंग लंग डिजीज, एनी पेशेंट हैविंग हार्ट डिजीज, एनी पर्सन हु इज अबव 60 years ऑफ एज नीड्स टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन। फॉर देम आई वुड एडवाइस प्लीज डोंट गो आउटसाइड, प्लीज डोंट गो। अगर कुछ सामान भी लाना है आप लोग मत जाइए, घर में जो दूसरे लोग अवेलेबल है वो सामान लेने जाएं। प्लीज प्लीज यू डोंट गो। अपनी डायबिटीज हार्ट लंग्स की मेडिसिन रेगुलर लीजिए, जितनी आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी उतना कम चांस है आपको सीवियर बीमारी नहीं होगी। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, आप अपने लंग्स का ध्यान नहीं रख रहे, आपको लंग्स की प्रॉब्लम है, आप हार्ट की मेडिसिन टाइम से नहीं ले रहे, देन इफ यू हैव इन्फेक्शन इट विल बी मोर ट्रबलसम देन व्हाट विल बी देयर इफ यू हैव कंट्रोल योर डिजीज प्रॉपरली। Drinking hot beverages helps prevent COVID is not at all true. This is totally a myth and it needs to be busted. People have been thinking that virus effect may go down during summer, but that is not true. WHO has clearly said that temperature is not found to be having any effect on that. So, उसके बेसिस पे हम इस अपने आप को ये मान के कि अब गर्मी आ गई है तो वी विल बी सेफ, ऐसा नहीं होने वाला। प्लीज डोंट फॉल इन टू दिस ट्रैप, सो प्लीज टेक प्रिकॉशन विच एवर आर नेसेसरी। जो समबडी इज आस्किंग अबाउट वॉशिंग द मास्क, मास्क इफ यू आर वॉशिंग इट प्लीज वॉश इट सेपरेटली फ्रॉम अदर क्लोथ्स एंड लेट इट ड्राई इन सनलाइट। अराउंड 45 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट कैन किल ऑल द वायरसेस रिमेनिंग ऑन द मास्क, आफ्टर दैट इट कैन बी यूज्ड। Somebody asking about whether it can survive in freeze food. It may survive in freeze food, but as I have already told, if you take any food and if you properly cook it will kill the virus. So properly cooked food will kill the virus, so you will not have a problem. There is a question that who has got recovered from virus can get affected again. Actually, this cannot happen. There are some reports in which patient once discharged got a positive sample later after discharge. So they were considering कि वो reinfection हो गया, but actually ऐसा नहीं होता। कई बार discharge के बाद भी कोरोना वायरस, मैंने जैसे बताया कि discharge के बाद भी up to 4 weeks वायरस पार्टिकल्स हमारे अंदर रह सकते हैं, तो वो पॉजिटिविटी उसकी वजह से बाद में आ सकती है। इसलिए अगर हम 2 हफ्ते के बाद किसी कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, वी आर एडवाइजिंग 2 वीक्स आइसोलेशन एट होम हम और करें, ताकि जो भी थोड़ा बहुत भी चांस है कि वो किसी और को ट्रांसमिट कर सके तो वो प्रिवेंट हो सकता है। डू यू नीड टू टेक बाथ कमिंग यूजली? अगर आप ऐसे एक्सपोज नहीं हुए, आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं और मास्क पहन के आ रहे हैं, डूइंग ओनली प्रॉपर हैंड वॉशिंग इज गुड इनफ। बट इफ यू फील यू हैव कम इन कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन हु हैड अ कफ, स्नीजिंग, रनिंग नोज व्हेन यू आर आउटसाइड टेकिंग सम ग्रोसरीज और एनीथिंग, देन बेटर कम बैक, वॉश योर क्लोथ इमीडिएटली एंड टेक अ बाथ। ओनली इफ यू हैव बीन एक्सपोज टू अ पर्सन हु कुड हैव सिम्टम्स। People have started breathing ibuprofen. Yes, there are reports people who have taken ibuprofen, especially in Italy, they had a very severe disease. So in any case, they are recommending only use of paracetamol for fever in patients who have viral infections. Avoid taking ibuprofen and other non-steroidal anti-inflammatory drugs because there have been some reports which have shown that severity have been found to increase due to that. Somebody is asking about smokers. Definitely, smoking जैसे बाकी बीमारियों का रिस्क बढ़ाती है, निमोनिया का रिस्क बढ़ाती है, कोरोना का इंफेक्शन की सिवेरिटी सिवेरिटी ज्यादा होने का रिस्क भी स्मोकिंग डेफिनेटली बढ़ाती है। दैट्स व्हाई
स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल. एक्चुअली स्मोकिंग सिर्फ कोरोना से बचने के लिए नहीं, किसी भी इंफेक्शन से, किसी भी कैंसर से जो स्मोकिंग रिलेटेड होते हैं, हार्ट डिजीज से बचने के लिए स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड. मल्टीविटामिन, एक्चुअली इफ यू टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट ऑलरेडी आर अ गुड सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द विटामिन्स विच आर नेसेसरी. यूज ऑफ लेमन विच इज रिच इन विटामिन सी, आंवला विच इज रिच इन विटामिन सी, ऑलरेडी इज अ यूजफुल थिंग टू बी टेकन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी विटामिन ए, ई एंड सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स which boosts up our immunity can be taken regularly. But only thing is, taking vitamin A and which is a fat soluble vitamin in higher doses can also cause toxicity. So please do it in consultation with a doctor, not like this. If you are taking newspapers, newspaper also can be a source of corona. Virus particles can be there on newspaper. So the front sheet especially should be sanitizer should be put, even if it is getting torn, it is not at all important. If you can use an e-newspaper, it is better. But if you are using the newspaper, please put a sanitizer properly, or put that newspaper in the sunlight at least for 2 hours, then you use it. Taking alcohol, somebody is asking, it is a total nonsense. Taking alcohol doesn't prevent you from coronavirus infection. Otherwise, on other side of it, taking alcohol regularly can decrease your immunity because absorption of vitamins is hampered. So it may make you more prone to this infection rather than helping you. Yes, you can use AC very well. That's not a problem at all. Somebody is asking, once the lockdown is over, so people will come out and this corona pandemic can spread. See, mostly what the scientific research is showing, that if we can break a chain for a sustained period of time, then this virus particles will be taken care in person who is having corona. So chances of pandemic spreading will not be there. So we have to maintain this social distancing even after lockdown will be over. Lockdown khatam bhi hota hai, gradually hum normal us pe bhi aate hain, phir bhi measures hame jo lagta hai 2 se 3 mahine tak aage bhi lene honge apne aap ko protect karne ke liye. Whatever precaution which we are taking, somebody is asking, is wearing proper PPE. When I started my talk, I was wearing a mask and I had to take off my mask only so that I can be properly audible to people. We are wearing masks wherever we are going. We are hand sanitizing our hands whenever possible. And when we are seeing COVID patients, PPE is being available with us, which is helping us to take care of ourselves during infection. It is our duty to take care of all corona patients, and we are in forefront. So we just request you people by folded hands that you follow social distancing, hand washing, building up your immunity with good food. Please don't follow any myths which are there on social media. In any doubt, consult a doctor. Doctors are available for you, like us. We are available 24/7 at your service. So we can only win war. We can only protect you if you support us by not going out, wearing mask whenever possible, taking proper steps which we have highlighted. With this, I would like to end my session. Thank you all for hearing me out, and thanks for in control.